है ना, एक न्यूमेरिकल मैं सॉल्व कर रहा हूँ। नाउ वी विल सी डेरिवेशन एंड डेरिवेशन ट्री मोर इन दिस लेक्चर बाय यूजिंग अनदर न्यूमेरिकल। दिस इज अ वेरी फेमस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हैविंग रिप्रेजेंटिंग ऑल द टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस। नाउ सपोज दिस इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड द एक्सप्रेशन इज, द इनपुट स्ट्रिंग इज आईडी प्लस आईडी मल्टीप्लाई बाय आईडी। सो वी हैव टू डिराइव दिस इनपुट स्ट्रिंग। लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन यूजिंग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। दिस इज द इनपुट स्ट्रिंग। लुकिंग एट द इनपुट वी कम टू नो दैट ई प्लस ई हैज टू कम, मीन्स आईडी प्लस आईडी हैज टू कम। So let's derive it by using e plus e. Then we have to replace the leftmost symbol. The leftmost symbol should be id, so we replace it with id, id plus e. अब अगर हम इनपुट में देखें तो id plus e है, हमें id चाहिए, पर अगर मैं इस e को id से रिप्लेस कर देता हूँ, अगर मैं if I change this e to id, then the derivation will come to an end. So we cannot change this e with id. So what do I do is we change this e with e multiplied by e. Okay, then this e has to be replaced. We change this e with id. At the next step, this e has to be changed. So, is e ko kisse change karenge? Id se. This is the derivation for the इनपुट विच इज लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। अब इसका डेरिवेशन ट्री बनाते हैं। ट्री बनाना शुरू करा, ई चेंजेस टू ई प्लस ई, देन दिस ई वाज चेंज टू आई डी। उसके बाद इसके अगले स्टेप में, इसी स्टेप में नहीं हुआ था ये, याद रखो, इसके अगले स्टेप में ई चेंजेस टू ई मल्टीप्लाई बाय ई। आप कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या एक चीज और कर सकते हो जो डेरिवेशन ट्री में करी जाती है, लेवल नीचे कर दो। यहीं पर लिखने की बजाय जो कंफ्यूजन होता है कि ये तो इसी स्टेप पे हुआ था, इसका लेवल नीचे कर दो, इसे नीचे ले आओ ट्री को। ई टेंस टू, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हुआ था, फिर अगले स्टेप में क्या हुआ था, ई चेंजेस टू आई डी, फिर उसके अगले स्टेप में क्या हुआ था, थोड़ा लेवल नीचे कर दिया, E tends to ID। तो इस तरह से हमें लीफ नोड्स बिल्कुल नीचे नीचे दिखेंगे हर एक उसमें, ID प्लस ID मल्टीप्लाई बाय ID। यही हमें करना था। दिस वॉज द डेरिवेशन ट्री। नाउ दिस डेरिवेशन ट्री लुक्स मोर एक्यूरेट जब हम उसे और लेवल को थोड़ा नीचे करके ले आते हैं। नाउ वाई दिस न्यूमेरिकल इज कंसिडर्ड टू बी वेरी टिपिकल एंड वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, because this gives the importance of context free grammar and this gives the importance of derivation tree. In any programming language there are operators, plus, minus, multiply, divide, and each operator has its own precedence. Okay, and if we evaluate the tree, so how is the tree evaluated? Suppose I give this numerical a value, that this is 2, this is 3, and this is 5. So how do we evaluate that tree? What is the rule of evaluation of tree? ये हम सबने data structure में पढ़ा है कि leaf से evaluation शुरू करते हैं, तो पहले इसे evaluate करेंगे जो सबसे नीचे है, है ना? 3 multiply by 5 पहले करेंगे, तो इस e की value कितनी हो जाएगी? 15. इस e की value कितनी है? 2. और फिर इस 15 plus 2 को solve करेंगे तो value कितनी आएगी? 17 answer बन जाएगा, है ना? तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की इंपॉर्टेंस क्या होती है, हमें प्रेसिडेंस पता चल जाता है। कैसे पता चलता है प्रेसिडेंस, ये अब देखेंगे कि अगर हम गलत ट्री बना दें, गलत डेरिवेशन कर दें, तो प्रेसिडेंस बदल जाएगा। कैसे गलत बता दें, फॉर एग्जांपल हमने ई प्लस ई की जगह पर ई मल्टीप्लाई बाय ई ले लिया पहले, फिर इस ई को रिप्लेस करा ई प्लस ई से, फिर इस ई को रिप्लेस करा आईडी से,
एक्सप्रेशन बिल्कुल सही आएगा, पर ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस बदल जाएगी। अब इस ट्री को बनाए, ई टेंस टू ई मल्टीप्लाई बाय ई, देन दिस ई चेंजेस टू ई प्लस ई, देन दिस ई चेंजेस टू आई डी, इन सबको एक लेवल पे भी लिख सकते हैं, और ई चेंजेस टू आई डी चाहे तो बिल्कुल नीचे। तो अब एक्सप्रेशन क्या बनेगा, आई डी प्लस आई डी मल्टीप्लाई बाय आई डी। एक्सप्रेशन इज द सेम, आई डी प्लस आई डी मल्टीप्लाई बाय आई डी, पर अगर वैल्यू देखें, वैल्यू हमारा एक्सप्रेशन क्या था, 2 + 3 × 5। अब इसका सॉल्यूशन देखें तो लीफ से सॉल्व होगा, 2 + 3 सॉल्व होगा पहले, तो 2 + 3 सॉल्व होके क्या बन गया, 5, और यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी बन गई, 5, तो आंसर बिकम्स 25। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, और ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का पार्ट कंपाइलर डिजाइनिंग में यूज होता है, जिससे कि ऑपरेटर की प्रेसिडेंस पता चलती है। जो कंपाइलर ऑपरेटर की प्रेसिडेंस पता करता है, वो कैसे पता करता है, इस तरह के ट्री को बना के, इस तरह के ट्री को बना के। तो जो लैंग्वेज का रूल होता है, लैंग्वेज का रूल, जो कंपाइलर की जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज के लिए आपने कंपाइलर बनाया है, वो इस रूल को फॉलो करता है कि पहले क्या होगा। इन केस ऑफ ऑटोमेटा, When we have to derive a string, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वी नीड नॉट टू वरी दैट विच प्रोडक्शन वी हैव टू यूज, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सिर्फ इतना क्वेश्चन है कि हमें डिराइव करनी है स्ट्रिंग आई डी प्लस आई डी मल्टीप्लाई बाई आई डी। हमें प्रेजिडेंस से कोई मतलब नहीं है, ये प्रेजिडेंस तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की इंपॉर्टेंस बताने के लिए मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया कि दैट दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, एंड दिस इज वेयर द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, वेयर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज एक्चुअली यूज, कहाँ पर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का एक्चुअल में यूज होता है, ऐसे कंपाइलर डिजाइनिंग में यूज होता है कि ट्री सही बना है कि नहीं बना है, ऑपरेटर की प्रेजेंस सही है क्या नहीं है, है ना। दीज टाइप ऑफ एरर्स, ये लॉजिकल एरर्स हैं, मतलब ये भी जो कंपाइलर नहीं पकड़ पाता, पर ये कंपाइलर का पार्ट है ना, दैट दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर एनकाउंटर्ड बाय कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। सो दिस इज हाउ और डेरिवेशन ट्री इज बिंग मेड। हम अलग अलग डेरिवेशन ट्री पॉसिबल है, कल हम देखेंगे कि दो डिफरेंट डेरिवेशन ट्री अगर बन रहे हो तो उस टाइप की ग्रामर को क्या बोलते हैं, उसको कैसे सॉल्व करा जा सकता है, और इसके बारे में आगे पढ़ेंगे।